अगर ये आपकी किसी माँ बहन बेटी के साथ हुआ होता, क्या तब भी आप लोग ऐसे ही चुप रहते, या मोदी सरकार तब भी ऐसे ही चुप रहती? इसको, इस खेल के जो इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, उसको तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई। उसको कहा गया कि आप किसी कांग्रेस पार्टी से प्रेरित है, उसको कहा गया कि आप ये तो जाटों का एक प्रोटेस्ट है, तरह तरह के एलिगेशन लगाए गए। मैं गया वहाँ, पहले दिन से उनके साथ था, मैं अब भी साथ हूँ, आगे भी साथ रहूँगा। अभी कुछ मुझे मालूम है कि खिलाड़ी की जो पीड़ा होती है वो इतनी आसानी से नहीं जाती, बिकॉज वो लड़ाई चाहते हैं और लड़ना जानते हैं। और मैं चाहूँगा कि उनके साथ न्याय हो, और जितने भी लोग, जितने ही आवाम है हिंदुस्तान की, वो एक बार जरूर सोचे कि भैया एक इतना बड़ा खिलाड़ी हमारे पास, कहते कि गिने चुने मुट्ठी भर, कहते कि हम काउंट कर सकते हैं उंगलियों पर कितने ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो जो आम जो जनता है, आम जो नागरिक है, उनके साथ क्या होगा? एक बार सोचेगा जरूर इस बात को। और बड़े दुख से उसने रिटायरमेंट लिया, हमारे लिए भी बहुत, मेरे को बहुत कहते कि शौक लगा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए था। और विनेश फोगाट तो प्रधानमंत्री जी से पहले भी मिली थी, उसकी पूरा परिवार मिला था कि मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई उन्होंने न्याय नहीं मिला, और एटलीस्ट उन्होंने अपनी एक रिटायरमेंट की घोषणा की। तो भैया इसे खेल जगत बहुत दुखी है, परेशान है, और हम हर खिलाड़ी के पास जाएंगे, हर स्टेडियम में जाएंगे, हर अखाड़े में जाएंगे, उनसे बात करेंगे कि भैया महिला सेफ्टी के ऊपर बात हो, खिलाड़ियों की रोजगार पर बात हो। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम पहले भी खड़े थे, अब भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।